तो प्यारे साथियों, सक्षम योजना है जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है। इस वीडियो आपको मैं पूर्व जानकर आपको बताने वाला हूं, तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है ताकि जितने भी हरियाणा के बेरोजगार सक्षम है और साथियों उनको इस अपडेट के बारे में उनको जानकारी मिल सके। तो प्यारे साथियों, चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले तो प्यारे साथियों, आपको रोजगार विभाग हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि दोस्तों HRS.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट को आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने यहाँ से आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट की प्रोफाइल डिटेल दिखाई जाएगी। प्रोफाइल डिटेल दिखाने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना है प्यारे साथियों। तो क्या कुछ अपडेट आई है आपको मैं बता देता हूँ। तो आपने प्यारे साथियों यहाँ पर प्रोफाइल मैनेजमेंट पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने प्रोफाइल मैनेजमेंट पर क्लिक कर लिया है तो इसके बाद आपने अपडेट PPP डिटेल, जी हाँ, तो इस चीज़ को लेकर अपडेट आई है प्यारे साथियों, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने अपडेट PPP डिटेल इस पर क्लिक कर दिया है, इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है प्यारे साथियों। यूअर PPP डिटेल एयर ऑलरेडी अपडेटेड, जी हाँ। तो हमने यहाँ पर रोजगार विभाग हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट जो HRS.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी फैमिली आई डी वो अपडेट कर दी है। अगर आपने अभी तक अपनी फैमिली आईडी अपडेट नहीं करी है रोजगार विभाग हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपने अपनी फैमिली आईडी अपडेट कर लेनी है प्यारे साथियों, ठीक है दोस्तों। अन्यथा आपका, अगर आप अपनी फैमिली आईडी अपडेट नहीं करोगे तो आपका जो सक्षम योजना का जो भत्ता है वो बंद कर दिया जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपने फैमिली आईडी अपडेट कर दी थी इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार का स्टेटस है वो आपको देखने को मिलेगा, यूअर PPP डिटेल एयर ऑलरेडी अपडेटेड। तो दोस्तों, अगर आपने फैमिली आईडी अपडेट नहीं की होगी तो यहाँ पर आपका फैमिली आईडी नंबर मांगेगा। फैमिली आईडी नंबर मांगने के बाद उस मेंबर का नाम सेलेक्ट करना है जो जिसने रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराया है। उसका नाम सेलेक्ट करने के बाद उस जो भी फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। OTP को वेरीफाई करने के बाद आपकी जो फैमिली आईडी वो अपडेट हो जाएगी प्यारे साथियों, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार का जो प्रोसेस रहने वाला है, तो ये अपडेट आई है प्यारे साथियों फैमिली आईडी को लेकर इम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट यानी कि उस वेबसाइट पर प्यारे साथियों, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। तो आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद प्यारे साथियों आपने प्रोफाइल मैनेजमेंट ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सबसे नीचे जो दिखाया गया है अपडेट PPP डिटेल, इस पर आपने क्लिक करना है प्यारे साथियों, ठीक है दोस्तों। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, यूअर PPP डिटेल ऑलरेडी अपडेटेड। अगर आपका इस प्रकार का स्टेटस आ रहा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपको जो भत्ता है सुचारू रूप से आपके बैंक खाते में आता रहेगा प्यारे साथियों, ठीक है दोस्तों। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने फैमिली आईडी अभी तक अपडेट नहीं करी है तो आपने अपनी फैमिली आईडी वो रोजगार विभाग हरियाणा की उस वेबसाइट पर अपनी फैमिली आईडी वो अपडेट कर लेनी है प्यारे साथियों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।